फाइल क्राइम ब्रांच तक पहुंचा दो। जी सर। हेलो, ये है अल्गोनिया मर्डर केस के दो प्राइम सस्पेक्ट। इनके बारे में जानकारी देने वाले को इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 लिरा का इनाम दिया जाएगा। उस तरफ ढूंढो। हाँ सर। गाड़ी में बैठ। समझ लीजिए वो भी मिल जाए। जैसे ही हाथ लगेगा मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है सर। बोल, वो कहाँ है? इतने टट्टू पाले हैं, कहो ढूंढ कर ले आए। मुझसे जबान लड़ाती है? तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन होगा। तुझे खेल खेल में ढूंढ लिया है मैंने, मेरे पावर का अंदाजा हो गया होगा। तुझे तो पकड़ लिया मैंने, अब उसकी बारी है। क्या बोला तू? कि तूने मुझे ढूंढा है, इसके ठीक उल्टा, तुझ तक पहुंचने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा। तो फिर बुला उसे, हम भी देखते हैं। सच को ढूंढने वो 6,000 किलोमीटर दूर आया, तुझ तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर तो आ ही सकता है। तेरा बाप आ Ah!
चल बता किसके लिए काम कर रहा है, ये प्लान किसका है? बता नहीं तो मर, नो लाइफ लाइन, बता। अगर मैंने नहीं बताया तो तू मुझे मारेगा, बता दिया तो तू मरेगा। फिलहाल तो तेरा नंबर है। आई एम लेफ्टिनेंट जनरल एम जे रहमान, आपके संग सुभाष का चीफ। दिस इज दिया। सुभाष ने लीड किए हुए ऑपरेशन में उनकी पार्टनर थी। आई सुभाष अंदर ही है। क्या हुआ उसे? दो दिन पहले बॉर्डर के पास एक टेररिस्ट कैंप को वाइप आउट करने के लिए एक प्लान बनाया था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर लौटते समय उसके पैर पे बुलेट लगी। सुभाष, सुभाष, ये क्या हो गया? ये सुबह क्या हो गया बेटा? दो दिन से इंड्यूस्ड कोमा में है, चिंता की कोई बात नहीं। डोंट वरी पापा, भाई को कुछ नहीं होगा। अरे अरे मेरे साला, अरे क्या हो गया? किसने मार दी गोली मेरे साले को? ये मिल गया ना जवाब। तुझे क्या लगता है तेरा प्यार खींच लाया है? मैं इंडिया आया हूँ सिर्फ तेरे जनाजे में भांगड़ा करने। देखा दीदी, आपका पति सुभाष से कितना प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा, कॉलेज से ही पक्की यारी है इनकी। मेरे साले, जिसने गोली चलाया वो कमीना मिल गया ना, उसे भगवान मानकर उम्र भर उसकी पूजा करूंगा। मेरी लाइफ झंड, तेरी लाइफ घमंड। नहीं दीदी, इससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगी। सुभाष, आपको छुट्टी नहीं मिली तो यहाँ आकर अब आप बेकार की सलामत दीजिए। चुप रहिए, इस कमीने से शादी करने से तो अच्छा है उम्र भर कवारी रहे। एक नंबर का टफर है, कॉलेज में मेरा सीनियर था, फेल होके जूनियर बन गया था। इतनी अच्छी लड़की को कवारी रखेगा? इसकी स्माइल पे कत्ल हो जाए, मैं तेरे जैसे बॉर्डर पे जाके ठाई ठाई नहीं करता। एम्बेसी में हूँ, एसी ऑफिस, पॉश घर, पॉश कार। अरे दीदी, उसके चूहे जैसे दांत नहीं दिख रहे आपको? क्यों, गाजर छिलवाना है? तेरी बहन ने मेरे दांत नहीं, टैलेंट को देखा है क्यों? अरे तुम चुप रहो, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही। पंडित जी, आप रसम नहीं। नहीं दीदी, मत बांधने देना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दीदी मत करो ऐसा, रुक जाओ दीदी, नहीं रुक जाओ दीदी, मत बांधने दो इसे। मिशन कंप्लीट। मिशन कंप्लीट नहीं, ओवर। इसकी तो शादी के बाद लोग सुहागरात मनाते हैं और मेरी रात डेंटल हॉस्पिटल में। क्या हो गया बेचारे चीचू को? Excuse me, patient needs rest, जी। Okay, चले बाप। सुभाष को आराम करने दो। और इन्हें जरा बाहर ले जाइए। तेरे मुंह पे लगा क्या साला? डॉक्टर त्रिपाठी से मिलने जा रहा हूँ, रिपोर्ट्स नहीं लेकर आऊँ। जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माता रानी के मंदिर जाके आपके लिए कुमकुम लाई हूँ। प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बहन को बचाने के लिए आपका पागलपन देखा, तब से मैं आपके लिए बिल्कुल पागल हो गई हूँ। पर सामने कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपको देखते ही मेरी सांसें रुक जाती है। पता है, 3 महीने पहले जिस दिन आपका बर्थडे था, मैं आपके कमरे में आई थी। ठान के आई थी कि अपना प्यार कन्फेस करूंगी, पर आप गहरी नींद में थे। कंफ्यूज थी कि उठाओ कि नहीं। फिर हिम्मत जुटा के आपको किस किया, फिर उसके ठीक बाद आपको आई लव यू भी कह डाला, पर आपको भनक तक नहीं लगी। आज भी गेट वेल सून बोल के वही गुस्ताखी करने वाली हूँ, और आपको इस बार भी पता नहीं चलेगा। मैडम, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या मैडम, 2 सेकंड लेट आ जाती ना, एक किस मिस करवा दी। सुभाष की हर जिद मुझे माननी पड़ी, उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या सुभाष, क्या बचपन आई है। पूंछ के टेररिस्ट कैंप में कुछ 45 टेररिस्ट थे, 0 कैजुअल्टीज के साथ उन्हें वाइप आउट किया। उसके लिए मुझे 2 दिन के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाला है, कीर्ति चक्र। जब मैं स्कूल में था तो पापा ने मुझे कभी मेडल लेते हुए देखा नहीं था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसी बहाने फंक्शन अटेंड कर लेंगे और अपनी बिजी लाइफ से 3 दिन का रेस्ट भी ले लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन हम सबको हार्ट अटैक दे चुके होते। मेरा ही फायदा हुआ, आप सब मुझे कितना प्यार करते हैं ये मुझे पता चल गया। मैं वहाँ मजाक कर रहा था। तेरी तो तेरी चाची की कसम, मजाक है यार। हाँ, रजाक वाला।
सैयद इब्राहिम मलिक जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। वो हमारे मुल्क पे एक बदनुमा दाग है। ऐसे आतंकवादी पूरी कौम को बदनाम करते हैं। भाईजान फरमाइए। मेरे वालिद अंदर हैं, मैं कराची से आया। क्या मजबूरी है रूलिंग पार्टी की? तो क्या करूं? वो इस पार्टी के मेंबर हैं। बरखुरदार, मीटिंग तो अब खत्म होने आई है, कब तक कहां थे आप? अमलदारी के खिलाफ हम इंकलाब करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसे आतंकवादी को किसी भी तरह की पनाह ना दी जाए। रुको जरा, कौन हो, कहां से आए हो तुम? और एक मुल्क हमारा, कौन है ये? वालेकुम अस्सलाम मलिक। हमारे मुल्क ने धमाका करने की गुस्ताखी की, तुमको पनाह जरूर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तुमको मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। एक पल के लिए भी अगर तुम्हारी सिक्योरिटी यहाँ से हटाई तो इंडियन गवर्नमेंट तुम्हें ढूंढ के चींटी की तरह मसल देगी। कमीने तो डुप्लीकेट है, महंगी आंखें, असली मलिक किधर गया? ताहिर, आंखों में सुरमा नहीं लगाते क्या? असली नकली का फर्क नहीं पहचाना? वो सब छोड़ो, अपनी हदें भूल गए तुम? ताहिर, ताहिर, कोई मुझे चैलेंज करे या फिर ऊंची आवाज में बात करे तो चिड़सी होती है। तुमने अपोजिशन लीडर को मार डाला, हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? ना तुमने ना सरकार ने फ्री में मेरी मेहमान नवाजी की, करोड़ों का फायदा पहुंचाता हूं तुम्हें, इसलिए अपनी तुम हिलाते हो। वॉचमैन हो वही बने रहो, आउट। ए ताहिर, डोंट फॉरगेट, मैं एक NRI हूं, नॉन रिलायबल इंडियन। खुदा हाफिज। आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर जी, ये मलक तो हमारा पालतू कुत्ता हुआ करता था, अब बेलगाम घोड़ा हो गया है, हंटर से कुटाई करनी पड़ेगी बहुत जल्द। पर कदों सर जी? इंडिया में हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, IPTP का लीडर है, नाम है इंद्र गुप्ता। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के मुताबिक वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर ये खबर हकीकत में तब्दील हो गई तो पाकिस्तान में क्या, तो ये सरफिरा मलिक दुनिया में कहीं भी छुपा होगा खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंडिया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सैयद इब्राहिम मलिक को 30 दिन में भारत वापस लेकर आऊंगा, और उसके बाद भी अगर भारत में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। हाँ बोलिए। वर्मा जी, बहुत बढ़िया भाषण है। मतलब टीवी देख रहे हो? इस पर ध्यान मत दो, होने वाली पार्टी अलायंस की कॉन्फ्रेंस है, जरा उस पर ध्यान दो। आप परेशान मत होइए, अपना कॉन्फ्रेंस जबरदस्त होगा। लेकिन वर्मा जी, दो एरियाज हैं जहां आपकी लिस्ट के मुताबिक मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं गुप्ता जी से बात करूंगा, तुम कॉन्फ्रेंस की सोचो। ओके, जय हिंद सर। थैंक्स सुभाष, पॉलिटिकल प्रेशर ने तुम्हारे पापा और भैया का चैन छीन लिया था, देखो तुम्हारे नाटक से कितना रिलीफ मिल गया। कॉफी? क्या भाभी, आपने अपनी बहन को बताया नहीं कि मुझे कॉफी की बजाय चाय पसंद है? गो, चाय लेकर आओ। अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हो, स्ट्रॉ लगा के पीऊं क्या? मेरे पास आओ। ए शर्मिली मैडम, उस दिन मिशन अधूरा रह गया था हॉस्पिटल में, अब पूरा कर लो। अब सब शादी की बात, तुम्हारे हस्बैंड अलाउ करेंगे? मजाक था, बहुत शो ऑफ हो गया। एक किसी तो है, कर दो। एक किसी? गोली चलाने वाला फौजी चुम्मी ले रहा है। रुक। तो उस दिन क्यों दे रही थी?
क्योंकि आप गहरी नींद में थे। उस दिन तो मैं नींद में था, लेकिन अब तो जगा हुआ हूँ। उस दिन जो किस किया था उसका मार्क अभी तक उसी जगह पे होगा। पहले आप उसे ढूंढिए, उसके बाद आपका हर कमांड मानूंगी। तीन महीने तक किस का मार्क कैसे रह सकता है तुम? सब कुछ सुन लिया मैंने। ये किस विस का चक्कर क्या है? है? ये परेशान कर रहा है। कुछ देख रहा था टिकटॉक। ए टिकटॉक, टिकटॉक सब बैन हो गया रे। वैसे फिल्म कौन सी है? ए इधर उधर क्या देख रहा है? कौन सी फिल्म है बता? ब्लू लगून। ब्लू? मगर नीला लगून हिंदी में तो नहीं बनी है? कुछ और था जरूर बोल रहे थे ना। अरे बता ना। उसकी प्रीवीस में नॉन घुसेड़ता है। तुम बे फावड़े, देख रहा हूँ तेरी जुबान नेशनल हाईवे से भी लंबी होती जा रही है आजकल। फिर से मुंह खोला ना तेरे जनाजे में डांडिया खेलूंगा, समझा? तो मुझे शूट करने वाले की पूजा करेगा ये बंधु? जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो अपने जितने खुले दरवाजे हैं बंद रखना। मारना नहीं। कल्टीमर, अभी भी एक डाउट है। बग डाल। किस मार्क तीन महीने तक कैसे रह सकते हैं? नहीं गुस्सा नहीं होने का, लस्सी पीने का। चल निकल। इसकी बंदूक का हाथ ज्यादा चलता है। लिपस्टिक लगाई थी कि इलेक्शन वाला इंक लगाया था? आप ही ना उल्टी खोपड़ी के इंसान हो, क्यों हमेशा मेरे भाई से झगड़ा करके छुपते फिरते रहते हो? ओ मेरी डार्लिंग, मैं झगड़ा करके कभी छुपता नहीं, मैं छुपता हूँ ताकि झगड़ा ना हो। पिछले 10 सालों से मुझे कपड़ों की तरह धोता रहता है। सबसे छोटा है इसलिए बिगड़ गया। अब से वो जो भी चाहे मान लिया करो। क्या? जो भी वो मांगे दे देना। अब जाइए। मेरी शर्मीली, इलेक्शन का इंक तक उड़ जाता है तो लिपस्टिक का निशान कैसे रहेगा? बुद्धू समझा मुझे, फिरकी ले रही हो? नॉट एट ऑल, ध्यान से ढूंढिए। बहुत ढीठ हो, ऐसी बात है। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे किस कर दो, बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, और अगर मैंने पप्पी ली तो मैं कहीं भी ले लूंगा। शर्मा रही हो? चलो मैं आंखें बंद करता हूँ। अरे किस कर लो ना जल्दी से। किस? मैं दू? तीन गिनने तक अगर मुझे पप्पी नहीं दी तो मैं तुमको काट लूंगा। टर्की फौजी वासनाधारी सांप कहेगा। वन, जो भी मांगे दे देना। टू, थ्री, तूने मुझे गिली पप्पी दी? बहने का जो मांगे दे देना। अरे खुद में भेजा है कि नहीं तुझमें? वो आग में कूदने को बोलेगी तो कूद जाएगा क्या? आदमी है कि पजामा? एक मर्द किसी मर्द को पप्पी देता है क्या? अब 10 दिन तक नहाना पड़ेगा मुझे, अब क्या करूँगा? अब सुनिए, हेलो श्रवण, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। क्या हुआ सर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट आई है, गुप्ता जी की जान को खतरा है, इसीलिए। वर्मा जी ये मीटिंग नहीं हुई तो हमारे पार्टी वर्कर्स में बवाल मच जाएगा, मीडिया वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। आप फिकर मत कीजिए, हमारा स्टेट एकदम सुरक्षित है, उनकी पूरी सुरक्षा होगी। ओके सर, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज कॉन्फ्रेंस कैंसिल मत कीजिए। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। एंड नाउ मिस्टर जगदीश शुक्ला, 2012 बैच देहरादून रेजिमेंट, नमस्कार। वेलकम सर, आइए सर। सिक्स अभी जाके मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत मजा आया। ए दिया, दिया क्या तुम लेकर आई हो? तो दे दो ना। किसके लिए है? सरप्राइज है, बस 10 मिनट वेट कर लो। सस्पेंस क्यों? 3 साल से एक ही रेजिमेंट में है, तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ मैं। प्रपोज करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? यहीं कह डालो ना। अपनी प्यार की हांडी में शाही मुर्ग मुसल्लम पका रही है। काश बचपन से मैंने भी डोले शोले बनाए होते। Now I call Colonel Subhash, 2013 batch, Kuti Regiment, to receive the Gallantry Award, Kirti Chakra. चाहिए? पहले मम्मी दो। Colonel Subhash, Colonel Subhash। अरे क्या कर रहे हो? चाहिए ना? Colonel Subhash। कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? Please come on the stage.
छोटे जी, अपना गाल साफ करो, लिपस्टिक लगी हुई है। मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं? हाँ, सब ठीक। मॉर्निंग सर, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। आपका दोस्त दीपक मेहता, वो कल रात देश छोड़कर भाग गया। क्या बात कर रहे हो, कहाँ भाग गया? गवर्नमेंट टेंडर का नाम लेके बैंक से 4,000 करोड़ का लोन लिया और अमाउंट मिलते ही वो फरार हो गया है। Are you sure? क्या ये कंफर्म्ड न्यूज़ है? जी सर, न्यूज़ कंफर्म्ड है। भैया, हाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कमिश्नर साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मैटर को देखता हूँ। कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके सर। एक काम करो, दीपक को कॉन्टेक्ट करो। मैडम इधर, इधर आइए, इधर मैडम। फंक्शन का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया किया है ना? हाँ, काफी अच्छा। हाय, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया मैंने। सर, सीएम साहब आ गए हैं। अच्छा, आ गए। छोटे, तुम जरा यहाँ ख्याल रखो, मैं आता हूँ। चलो जल्दी करो, सीएम साहब आ गए। सर, दीपक सर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके सर। सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल पॉलिटिशियंस बदनाम हैं पावर से ढेरों पैसे बनाने के लिए। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो वो सत्ता में बने रहने के लिए बेईमानी से कमाए पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे, मेरे जीवन का यही संकल्प है। कल मैं जब राजनीतिक जीवन से संन्यास लूंगा तो मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, किसी छोटे से सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरा वारिस, मेरा बेटा भी सच्चाई के पथ पर चलेगा। अब मैं आपके सहमति से उससे आग्रह करूंगा कि वो इस राज्य का कार्यभार संभाले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के सिखाए उसूलों और आदर्शों की वजह से हूँ। अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के लोगों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मीरा, नहीं सुनो, मीरा, मारूंगी, प्लीज। क्या कर मीरा, सुभाष बुला रहा है। मैसेज देखो, बेटा। जी पापा, भाषण बहुत बढ़िया दे रहे हो। क्या हुआ? फोन कार में रह गया, लेके आती हूँ। ओके, यही मेरी कामना। जल्दी करो, सर का भाषण शुरू हो चुका है। चलो, छा जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी चलो। अरे मैडम, आप एक्चुअली फोन कार में रह गया, कोई नहीं ले जाता हूं। नहीं नहीं, जानती हूं आपको भैया की स्पीच सुनने की जल्दी है, मैं खुद ही ले लेती। ठीक है मैडम जी, चलो चलते हैं। चैन से रोमांस भी नहीं करने देंगे। सबको सम्मान मिले, अपने अधिकार मिले, यही हमारा खेल। मीरा कहां है? फोन लेने पार्किंग में गई है। पूरे समाज की उन्नति। कहां जा रहे हो? वो एक कॉल करनी। हां ठीक है। सॉरी मैडम, आके है या बटन, इडियट। ए
इतना लेट क्यों हो गया बे? चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है फोन दे। इस फोन में कॉल कैसे आ गया बे? मर गए, रास्ते में एक लड़की से टकराया था, फोन एक्सचेंज हो गया। ये सब मजाक लग रहा है, स्टेज पे ब्लास्ट करने वाला नंबर उस फोन में है। फोन के बिना धमाका कैसे होगा? स्पीच खत्म होने से पहले फोन वापस ला। अरे ये देखो वही लड़की। ए मेरा फोन दे, मेरा फोन। ए तेरी तो। हे पुलिस आ रही है। सुन यहाँ क्या कर रहा है? सर हम केटरिंग सर्विस वाले हैं। केटरिंग हो या कोई भी हो, यहाँ नहीं रुक सकता। जल्दी समझ गया सर। जल्दी से गाड़ी में बैठ और निकल। हाँ जा रहा हूँ। क्या हुआ? भाग गई वो? मुझे मार के निकल गई वो। भाग गई। तू उस तरफ जा, मैं वहाँ जाता हूँ। मैडम क्या हुआ आपको? क्या कह रही हैं आप? अरे अब मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर दो शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। माननीय श्री केआर के अरे कहां गई वो? पता नहीं यार। हाँ बताइए दीदी। कहाँ हो तुम? पापा पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मीरा वहां पहुंच गई क्या? हेलो हेलो मैडम, हमारा फोन उसी के पास है, उसे जाने मत देना, उसे जाने मत देना। सरकार में सब प्रांत को एक समानता दी जाएगी। नदियों से चल रही पानी की समस्या को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे और यहाँ नई मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी एक प्लान बिल्कुल तैयार है। दीपक। हेलो श्रवण सुन। हेलो कहाँ हो तुम? मेरी छोड़, तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। क्या बक रहे हो तुम? आतंकवादियों को तुम्हारे पास टाइम नहीं है, निकल निकल वहां से। Thank you.
भैया सुभाष। हेलो हेलो हाँ हाँ ये कंफर्म्ड मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं नाइट्रोमेड यूज किया था, एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। लेकिन सर उनकी डेथ हमारे स्टेट में। सर दामोदर सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का अरेंजमेंट। आप मेरी एक बात तो सुनिए सर, प्लीज टेक हिम आउट, ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर बाहर आ जाइए। इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर, क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, ये हो क्या रहा है? सुभाष हालात बहुत पेचीदा है, आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है, प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर, इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में, हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो, भाभी सुभाष मेरा घर नहीं पहुँची, फोन भी नहीं लग रहा उसका, वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं वो मेरे साथ नहीं है, शायद वो कहीं फंस गई होगी, मैं यहीं वेट करती हूँ। मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, रुकिए। कैसे हो गया? हमें इसकी बॉडी स्टेज के पीछे मिली, फोन लेने पार्किंग लॉट में गई थी पर भगदड़ में कुछ ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चोकिंग और दम घुटने से मौत हुई। समझ में नहीं आ रहा सर, हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए हैं, और तब तक ऐसा कीजिए आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं ये सच्चाई है, दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4,000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष की करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था, वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए।
मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत हैं। और तू वहां से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहां लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर ही हूँ, मीटिंग शुरू नहीं हुई। सुभाष, प्रेस मीटिंग का ऐलान करने के बाद भैया अपने कमरे में चले गए। सारे प्रेस वाले आ गए। हम लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर भैया जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रहे। भैया, भैया, लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार गुप्ता जी के मर्डर के पीछे डिप्यूटी सीएम का हाथ था। ये कैसी साजिश है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। सीएम के आसपास भीड़ बढ़ती ही जा रही है, पुलिस भीड़ को शांत करने में। घटना के बाद स्टेट में एमएस के पार्टी के सभी दफ्तर बंद हो रहे। बड़ा बेटा बाप को गंदा देता है, पर आज ये बाप अपने बेटे को गंदा देगा। सुभाष, भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप बॉडी को जल्दी से ले जाइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आगे बहुत ज्यादा रिस्की है, आप पीछे वाले गेट से निकल जाइए। भरद्वाज, क्या बक रहा है? फिर से बोल के देख। आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ सर, सिचुएशन क्रिटिकल है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा बेटा चोर है, वो कोई टेररिस्ट है क्या? ये सड़क पे पड़ा रात है, बताओ क्यों जा रहे हैं पीछे से? समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आपको दोषी मान रहे हैं। हजारों लोग हैं सर बाहर, कईयों के हाथ में हथियार भी हैं। हम बेबस हैं, लोग आग बबूला हो रहे हैं। बाहर में जाओ तो सर, तुम्हारी गलती नहीं है। अब मैं टेलीफोन लगाता हूँ। लावारिस की तरह ले जा रहे हैं, अभी तो उसका जीवन शुरू होने वाला था। चलता हूं साले साहब। सुभाष, भाभी ने दो दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चुपचाप बैठी है, मुझे चिंता हो रही है, जाके बात करो ना। नेक और ईमानदार थे वो, जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से मासूम बच्चे की तरह थे, लेकिन देवता मानने वाले भी उनसे एक दिन में नफरत करने लगे, गालियां तक दे रहे उन्हें, जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसने भी मेरे पापा को मारा उसे छोड़ना मत चाचू, जैसे हम रो रहे हैं उसे भी रुलाना। हाँ बोलो। सुभाष, वो नंबर याद है जो मीरा ने मरने से पहले अपने हाथ में लिखा था? उस गाड़ी का पता चल चुका है, वो गाड़ी जहां से खरीदी उसका भी पता लग गया है। तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। आप उसको सजा देना चाचू। दो दिन पहले एक लड़की और दो आदमियों ने यहाँ से वैन खरीदी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स बोगस निकले, यहाँ का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, पर हाँ एग्जिट का एक छोटा सा फुटेज मिला है हमें, लेकिन उसमें भी किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। सर जरा यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए। स्टॉप,
जूम कीजिए। ये टैटू कहीं देखा है? भरत, भाई के मौत के दिन मैंने इसे घर पर देखा था, ये कौन हो सकती है? तुम्हारे रिलेटिव्स के अलावा वहाँ पार्टी वर्कर्स थे, अगर कोई अनजान लोग थे तो वो प्रेस और टीवी मीडिया के लोग थे। जहाँ तक मुझे याद है एंट्री पॉइंट पे सबने साइन किया। वो देखो, बहुत गौर से देखना, वही है ना? वो अंदर आई थी पर वो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बैठी नहीं। भाई के सुसाइड के बाद सब लौट गए, फिर वो अंदर से बाहर आकर भीड़ में कहीं गुम हो गई। सबके साथ आई थी वो और उन्हीं के साथ बाहर चली गई, पर बीच के 15 मिनट वो मिसिंग थी, ठीक मेरे भाई की मौत के समय। ये लड़की, गुप्ता जी, मीरा, भैया, इन तीनों की मौत में ये लड़की एक कॉमन फैक्टर है। टॉप न्यूज चैनल की रिपोर्टर मालती के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर आई थी। अगर हमें मालती मिल जाए तो ये भी मिल जाएगी। सर, हमने न्यूज चैनल जाकर इंक्वायरी की, जिस मालती की आपने बात की थी वो दो दिन से ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आ रही, क्यों? ये पता नहीं चला सर। आपके भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी पर उसकी लाश ही वापस घर आई। वो स्कूटर पर थी, पीछे से एक ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल डाला। क्या इसी दिन के लिए उसे बाल पोस के बड़ा किया था? भाई साहब, उनकी कोई फ्रेंड है जिनकी गर्दन पर एक टैटू है? वो लड़की जिसकी गर्दन पर टैटू जी, दो दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। आपके भाई की मौत के दिन वो लड़की मालती के साथ फोटोग्राफर बन के गई, पर उसके बाद फिर कभी नहीं आई। भाई साहब, आपकी बेटी की कोई डायरी या फोन मिल सकता है हमें चेक करने के लिए? मालती को डायरी लिखने का शौक नहीं था, एक्सीडेंट के दिन उसका फोन टूट गया था। सुभाष, इस केस में अब हमारी आखिरी उम्मीद ये फोन ही है। बहुत चालाक है, फोन को फॉर्मेट कर चुकी है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे लगा ही था, गूगल ड्राइव में हमेशा बैकअप रहता ही है, उसकी ईमेल से ट्राई करो। ओके। यस, फाइल्स का बैकअप मिल गया, कॉपी कर लो। व्हाट? शिट, ये लड़की बहुत स्मार्ट है, हमसे एक कदम आगे चल रही है। सारा का सारा डेटा हैक कर रही है वो, आखिरी की जितनी भी फाइल्स थी वो पहले डिलीट की। इसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। ढूंढ निकालेंगे, उसकी यूजर लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करो। श्योर। मेक्सिको, मतलब वो वही है। ईरान, इंडोनेशिया, लंदन, श्रीलंका, एक साथ 5 लोकेशन। She is brilliant. हमें confuse करने के लिए proxy server use कर रही है। इन 5 locations में से एक location सही है, पर कौन सी है ये बताना मुश्किल है। London. कैसे पता चला? तुम्हें वो register sign करने वाला footage याद है? उसमें मैंने उसका mobile phone देखा था। उसमें 2 time zones दिखा रहे थे। 4.5 घंटे का difference था। इन 5 locations में से 4.5 घंटे की difference वाली जगह और कोई नहीं, London ही है। मेरे भाई की मौत के दिन London जाने वाले जितने भी passengers हैं उनकी list check करो, उसका पता चल जाएगा। सर, उसी दिन वो लड़की ब्रिटिश एयरवेज से लंदन गई थी, उसके सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं सर। उसका नाम कायरा है, शी इज अ प्रोफेशनल किलर, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बाय द इंटरपोल। जहां तक पता लगा है वो लंदन में बेस्ड है, पर ना उसके ठिकाने का पता चला है ना अगले टारगेट का। अब वो मेरी टारगेट है, पर बिना किसी क्लू के उसे ढूंढोगे कैसे? और तो और उसका पासपोर्ट भी नकली है, फेक है, जाहिर है उसमें लिखा हुआ एड्रेस भी फेक होगा, कैसे ट्रेस करोगे? आई हैव नो ऑप्शन, भागने वाले की पूरी दुनिया है और पीछा करने वाले का एक ही रास्ता।
एंडी, बिजली का खंबा किसने काटा यहाँ पर? लगता तो इंसान ही है। यस, व्हाट डू यू वांट? कायरा 1812-79 क्राउन स्ट्रीट, करेक्ट? एड्रेस में तो कोई लोचा नहीं है, लेकिन जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं। तुम इंडिया से हो? क्यों, मुंह से निकली हुई भाषा तेरे कान में घुसी नहीं? पूरा देश ही इंडियन हो। आमचे मुंबई, क्या लोचा है? वो मैं मुझे किसी ने एड्रेस नहीं मारने का रही, वो बुढ़िया है। ए दादा, दरवाजा बंद कर। अच्छा, मेरी बात सुनो, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे भगवान कसम, मैं उस लड़की को नहीं जानता। तेरे से पहले भी चार लोग आए थे उसका पता करने, लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, सीधे टपक ही गए। वैसे तू भोले भाले परिवार का लगता है। मेरी बात मान, टिकट निकाल और कल्टी मार। वैसे तू उछलेगा तो भी इंडिया पहुंच जाएगा। अरे तुम भी इंडिया से हो ना, इसी नाते मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे? अरे जॉब वॉब छोड़ के उसको ढूंढने में लग जाऊं क्या? हाँ, रास्ते में कॉफी पिला सकता हूँ, बस बिल पे कर देना। अरे कुछ नहीं है, बेडरूम में चल। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम सुभाष। पता है रे, इंडियन आर्मी में कर्नल है ना, 2013 बैच, ऊटी रेजिमेंट, और फोन नंबर है 9444131157, और देहरादून के केनरा बैंक में अकाउंट है, पलनी से है, पापा तमिलनाडु के सीएम है। इतना काफी है, पूरी जन्म कुंडली बताऊं तुझे कैसे? अबे लोगों की ई कुंडली निकालना ही तो मेरा धंधा है। आई एम अ प्रोफेशनल हैकर। शक्ल से तो नहीं लगता। क्यों, हैकर का थोड़ा स्पेशल होता है क्या? जॉनी लिवर का ससुर लग रहा है, इसीलिए तो मैं लोगों की मदद करना नहीं चाहता, समझा? वैसे मेरे घर पे जो तूने डोरबेल बजाई थी ना, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर था, जैसे ही तूने बटन दबाया ना, तो तेरी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आ गई। अब समझ में आया है? तो एक लड़की को ढूंढना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। जितना आसान समझता है ना, उतना है नहीं। नेट से शार्क पकड़ना चाहता है ना, तो चारा चाहिए, बोले तो डेटा नाम की इन्फॉर्मेशन, समझा? शाम को इंडिया के लिए फ्लाइट है, फुट ले जल्दी। क्या हुआ, बुखार आ गया? वो बुड्ढा बुड्ढी याद है जो तेरे फ्लैट के बगल में रहते हैं? वो मेरे मकान मालिक है, उनसे क्या काम है तेरे को? उनका फोन नंबर चाहिए था। तेरी टेस्ट इतनी चेंज हो गई? जब तेरा डोरबेल बजाया मैंने, हाँ, तुझसे पहले उन्होंने दरवाजा खोला। देख भाई, वो बुड्ढे हैं रे, इंडिया में होते तो सास बहू की सीरियल देखते, इधर फॉरेन में क्या घंटा सास बहू, तो गॉसिप के लिए मटेरियल ढूंढते हैं। वहाँ एक टैटू का डिजाइन देखा मैंने, जो लड़की की गर्दन पे भी था। कायरा की वजह से जितने लोग मरे, इन बुजुर्गों का संबंध भी कहीं ना कहीं उनसे होगा। हाँ तो मैं क्या करूँ? उनका फोन नंबर मिल जाए तो पिछले आधे घंटे में उनकी कॉल्स की डिटेल्स निकाल सकते हो। काम छोटा है लेकिन दाम मोटा लूंगा। अब देख मत, रोकड़ा देगा तो अपना लैपटॉप खोलता हूँ, वरना मुझे बहुत काम है। डन, जस्ट डू इट। अरे फौजी, पिछले आधे घंटे में ना सिर्फ एक ही आउटगोइंग कॉल है, तुझे नंबर मैसेज किया देख। अबे मेरे अकाउंट से 50,000 डिडक्ट हो गए, उसका मैसेज आया मुझे। टेंशन मत ले, मेरे में आ गए। ये मेरी फीस है रे, जो मैंने पहले ही तेरे से वसूल कर ली। अगर आगे तूने मेरे को धोखा दिया तो ये देख मैसेज की घंटी, आ गया नंबर। बाप रे, ये कॉल तो उसी नंबर से आ रहा है यार। हेलो, सुन, चुपचाप फोन उसे पकड़ा दे। क्यों, मेरी आवाज पसंद नहीं आई? यू इडियट, जस्ट गिव इट टू हिम। ब्रेनलेस लूजर, जो कहा वो कर। तेरे को याद करी है, ले बात कर। हेलो कायरा। क्यों बे, फैमिली का बदला लेने इतनी दूर यहाँ लंदन चला आया? पॉलिटिकल पावर, पुलिस पावर, इन सब के रहते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ आके उन्हें मार दिया। ये तो मेरा इलाका है, तुम्हें मारना तो पबजी खेलने जैसा होगा। हीरोगिरी छोड़ और चुपचाप लौट जा। दीपक मेहता कहाँ मिलेगा? दीपक मेहता, उसने तुमसे गद्दारी की, लेकिन मैं उससे गद्दारी नहीं करूंगी। मैंने तेरा नंबर ढूंढ लिया है तो तुझे ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा। यू मीन कॉल ट्रैकिंग? इडियट, सिम कार्ड निकाल के तोड़ दूंगी तो किसे फॉलो करोगे? अब चाहो तो तुम अगले 10 साल तक लंदन की हर गली छान मारो, मुझे ढूंढना नामुमकिन है। मुझसे डर के तुम सिम कार्ड तोड़ के कहीं भी भाग सकती हो, पर मैं डरता नहीं। 9444131157 ये मेरा नंबर है। कल ट्रफेलगर स्क्वायर में तेरा वेट करूंगा, रेड कलर की टी शर्ट पहनी होगी, ढूंढ लेना मुझे। मेरे विल पावर के अलावा कोई और पावर नहीं होगा। ये इलाका तेरा, इसका घमंड है ना तुझे, तो आके दिखा। चल देखते हैं। क्या राग दे रही थी? मेरा साथ देने वाले हर टीम मेंबर को मार डालेगी। ओए, तेरी टीम में मैच तो हूँ, एक बुड्ढी का नंबर हैक करने की इतनी बड़ी सजा। देख भाई, ये तेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ भी करके मरने से बचा ले। इसका एक ही रास्ता है, तो बोलता पड़ तो। अभी तक आइडिया आया नहीं है। अबे बिना आइडिया के इस पंगे में डाल दिया। एक तो इंडिया में लेडी टीचर से खूब मार खाई, और इधर भी और मेरी जान की दुश्मन। ये ले भाई, हाँ तू भी ले, प्रिय ले ले, पकड़। सुनो, सबका थोबड़ा मुझे याद है, पहन के इधर ही मंडराना, जो नहीं पहन के आएगा ना उसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। ले पकड़ जल्दी ले, खाली मर्दों के लिए, औरतें गर्दी मत करो, चलो। हाँ हेलो सुभाष, टी शर्ट एक केक को बांट दिए मैंने। मैं सोचा था अपने लोग ही खाली चीजों के लिए भूखे हैं, लेकिन ये गोरे लोग तो अपने भी बाप निकले। झील माफी छीना चिपटी ना कर दे। गोरों की बात छोड़ बे काली है,
जो दो टी शर्ट अपने लिए रखी है ना तूने, चुपचाप डोनेट कर दे। आइला इसको कैसे पता चल गया? हाइट होने का यही फायदा होता है। चल निकाल लिए दोनों टी शर्ट, अब क्या करूं? है? किसी को दे के वेट कर, मैं आता हूं। रेड टी शर्ट। चीफ, बहुत से लोगों ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है पर वो नहीं दिखा है। यू फूल, वो वहीं कहीं है। सबको कॉन्फ्रेंस मोड पे रखो, उसे मैं ट्रैक करूंगी एंड देन आई विल कनेक्ट विद यू, तुम्हें गाइड करूंगी। यस चीफ, मूव इट ओके, कॉपी। जैक आलम्बो, मैं जानता था कि वो नहीं आने वाली है। तो अभी मैं क्या करूं? यहां बहुत से लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, क्या तो पता लगा सकता है कि वो कहां से कॉन्फ्रेंस कर रही है। हेलो, आई एम वन एंड ओनली जैक, मैं सर्वर कोड क्रैक करने में एक्सपर्ट हूं, इसीलिए दोस्तों ने मेरा नाम रख दिया क्रैक जैक। और तेरे को मेरे काम पे शक हो रहा है क्या? दो मिनट में उसकी मां को भी ढूंढता हूं। तुम्हारी दाईं तरफ 200 मीटर की दूरी पर। ओके गाइस राइट। हेलो सुभाष, यहाँ पर एक साथ चार चार कॉन्फ्रेंस कॉल एक्टिव है, उसमें से एक जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है और बाकी 10 लोग उससे कनेक्टेड है, कोई कंपनी मैटर लगता है। नेक्स्ट। बाप रे, एक लड़की 3 मर्दों से होली खेल रही है। उसका लोकेशन बता। अरे मेरे सामने ही है, लेकिन तेरे लिए यूजलेस है। मेरी गोटी फिट करूं? क्या मतलब, जहां पर 3 है वहां पर मैं भी घुसता हूं? अबे ये सीरियस मैटर है, मजाक करने का टाइम नहीं है। ए, कितना सेल्फिश इंसान है रे तू, इस गरीब का भी कुछ सोचना। तुझे तो वो एक ही लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मुझे तो एक भी लड़की नहीं मिली। तुम उसके नजदीक हो, अपने राइट में जाओ, 70 मीटर दूर। क्या रे, वो हो गया क्या? वन सेकंड, दो लोग कब से लगे पड़े हैं यार, और एक नंबर तो ज्यादा पहचान है। ए, काम छोड़ के किससे लगा पड़ा है रे? ए, मोटे, कौन के नीचे खींच के दूंगा। गलती हो गई, सॉरी भाई, सॉरी। काफी करीब हो, 40 मीटर्स। अरे एक और कॉन्फ्रेंस चालू है, लगता है कोई खास बात है, सुनने को मिलता तो मजा आता। आइला एक औरत के साथ तो 6-6 लगे पड़े हैं और 5 तो आजू बाजू में ही है, खाली एक कहीं कोने में घुसा पड़ा है। That's her, वही लड़की है। लोकेशन बता मुझे। रुक रे बाबा, खाली 2 मिनट का टाइम दे मेरे को। बस 20 मीटर दूर है, सीधे चलते रहो। सो गया क्या? 10 सेकंड रे बाबा, उंगली तो चलने दे। जल्दी बता ना। मुझ पे चिल्ला के क्या हो गया, गूगल चलने देना। 2 सेकंड रुक जा, ढूंढ निकाले लाए। मेरे से 200 मीटर राइट में एक फेमस विक्टोरिया हॉल है, तेरी मुर्गी वहीं पे, जो करना है कर ले। थैंक्स जैक। हैं, अब ये कहाँ जा रहा है? ए लंबो, सस्ता फोन है क्या जो इधर ही छोड़ दिया? चीफ, नहीं मिला वो। सिर्फ 3 मीटर तुम्हारी बाईं तरफ। शिकार मिल गया। बोल मित्रा। ओए, ये नंबर को हैक कर रहा था। हल कट, मेरा काम कर रहा हूँ मैं। प्यार से मारो, ब्रेक ही देते हैं, कहीं से मार रहे हो? Idiots, गलत आदमी ढूंढ लिया, वो यहाँ है, जल्दी अंदर आओ। Guys, let's go. एक हैकर को जोकर बना दिया। सुभाष जी, शाबाश जी, थैंक्स कहने का बढ़िया तरीका था, हृदय प्रफुल्लित हो गया।
Thank you.
तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम भी उसे बचाने की कोशिश मत करो। अब बताओ दीपक कहाँ है? टॉर्चर करो या मार डालो, कुछ नहीं बताने वाले। मेरे भी कुछ उसूल हैं। उसूल? एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होके उसूलों की बात करती हो? तुझे तो मैं तुम्हारे बैंक से तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है। यहाँ तुम 5 मिनट में मरने वाली हो और अगले टारगेट के लिए किसी ने तुम्हारे अकाउंट में $5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। किसी और के लिए नहीं, तुम्हें मारने का एडवांस पेमेंट है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जस्ट इन केस मैं ना भी मार पाई तो वो किसी और से मरवाएंगे। वापस चले जाओ, शायद फिर मौका ना मिले। चला तो मैं जाऊंगा, बस दीपक मिल जाए। ये कोई खेल नहीं है, और बिना मेरी मदद के उसे कैसे ढूंढोगे? तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा फोन है ना। कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? सुभाष प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज सुभाष बचाओ मुझे। अपने उसूलों को बचाओ। मुझे पता है वो कहां मिलेगा, प्लीज मुझे बचाओ। सुनो इसे पैरों से मार डालो, लगना चाहिए कि धमाके के बाद होने वाली भगदड़ में ये कुछ ली गई। ऑर्डर लिखना, एक बिच्छू का सूप, एक नागिन बिरयानी। पार्सल करना, किसी को नरक पहुंचा के जल्दी आता हूँ, ठीक है? क्यों बे भावड़े, रिसीव करने अंदर नहीं आ सकता था? नहीं नहीं रिसीव करने नहीं, तुम्हें रिटर्न करने आया। मजाक कर रहा है? तो फिर तुम्हारे लफड़े की वजह से मीरा और बड़े भाई गुजर गए ना, और अब तुम बदला लेने के लिए आयो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, चलो जाओ। बकवास मत कर। हाय सुभाष, छुट्टी मनाने आई है? इसने अपनी प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया, फॉरेन अफेयर्स में पोस्टिंग मांगी और टर्की आ गई, पता नहीं क्यों। मुझे पता है। अरे वो सब जाने दो, मुझे ब्रेक की जरूरत थी, दैट्स व्हाई। और ये कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, जब आदमी ख्याली मुर्ग मुसलम बनाता है और देखकर कहता है कि अच्छा नहीं है तो हार्ट ब्रेक होता है, और फिर हार्ट को ठीक करने के लिए। तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? बताता हूँ, ये बदला लेने आए या रोमांस करने के लिए? ए साले सुन तो, दिया मुझे मारने के लिए जिस अकाउंट से कायरा को कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो बैंक इस्तांबुल में ही है। जानती हो किसका अकाउंट निकला? कोई आइडिया नहीं। दीपक मेहता का। What? Yeah. उसके अकाउंट नंबर से हमें उसके घर का एड्रेस ढूंढना होगा। साले साहब, तुर्की में घर ढूंढते ढूंढते मुर्गी बन जाओगे, अकाउंट से तुम्हें कोई एड्रेस नहीं मिलने वाला, चांस ही नहीं है। पिकनिक मनाओ और अपने वतन लौट जाओ। अबे जब भी मुंह खोलते गोबर निकलते। अरे पागल हो गया ये। सुभाष हम गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इस सिचुएशन में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी डिटेल निकालने के लिए मैंने अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी, मेहनत बेकार गई। बैंक का सिस्टम पावरफुल फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। अद्भुत, मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है, मतलब मैं और मेरा पैसा एकदम सेफ है। कॉफी पी। अबे गटर जैसा मुंह बंद करने को कहा था ना। ए साले बात बात पे हाथ क्यों उठाता है, मैं तो बैंक की तारीफ कर रहा था। अपने जीजा के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है? आर्मी में तो क्या सबसे रोक चढ़ोगे? ये रहा बैंक का ब्लूप्रिंट। अच्छा, तुर्की में कुटिया बनाना है, एड्रेस कैसे मिलेगा? कस्टमर्स के डिटेल्स बैंक के मेन सर्वर में एनक्रिप्टेड होते हैं, उन्हें सर्वर रूम से ही कॉपी किया जा सकता है।
ब्लूप्रिंट के हिसाब से बैंक के एंट्री पे लेफ्ट साइड में बेसमेंट है, सर्वर रूम वहीं तो नहीं? मैंने बैंक की सर्वेलेंस की थी, हाईली सिक्योर्ड बैंक है, स्पेशली सर्वर रूम एक्सेस सिक्योरिटी हेड के पास है। एक्सेस कार्ड के बिना वहाँ एंट्री नहीं हो सकती, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका हाथ काटना आसान है लेकिन कार्ड लेना इम्पॉसिबल। और लंच टाइम है 1 to 1:30, वो एक ही रेस्टोरेंट जाता है। इसका मतलब लंच टाइम और वेन्यू फिक्स्ड है। कंफर्म्ड इन्फो है। मतलब जब सिक्योरिटी हेड लंच करने के लिए ब्रेक लेगा तब हम सर्वर रूम में जा सकते हैं, है कि नहीं? इतने एक्साइटेड मत हो, जिस अकाउंट को एक्सेस करना है वो एक्टिव भी होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। एक और तरीका है, डायरेक्ट दीपक मेहता को फोन करते हैं, उसे बोलेंगे कि अपना अकाउंट खोल के रखना, सारे डिटेल्स हम लोग निकाल लेंगे। अब समझा, तुम्हारी प्लानिंग में खोट है। अरे बैंक से पैसे निकालने की बात हो रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, याद रखना। तो हमारा हर आइडिया बकवास ही लग रहा है, तो तुम ही कोई आइडिया दे दो। बक बक का एक्सपर्ट हूँ, आइडिया का कोई आइडिया नहीं। वेरी गुड आइडिया। बैंक मैनेजर के पास हर एक अकाउंट का एक स्पेशल पासवर्ड होता है, तो अपना बकबक का अस्त्र उस बैंक मैनेजर पर चलाओ और दीपक मेहता का पासवर्ड उसी से उगलवा, उसके आगे मैं संभालूंगा। संभाल लेगा? ओए, अगर गलती से भी मिस्टेक हुआ ना तो ये इंडिया नहीं है कि पान वाले को पैसे दिए और हफ्ता पूरा हो जाएगा, ये इस्तांबुल है, गुल हो जाएगा। बड़ा आइडिया देने वाला, परदेश में मेरा नाम खराब कर रहे हैं। वैसे मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा जीजू ब्रेव हार्ट और बहुत इंटेलिजेंट है, एक वही है जो इस दुनिया में तुम्हारी मदद कर सकता है। सच में ऐसा कहा? सही सुना। मेरी पत्नी, मेरी पति व्रता है, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बहन ने तो बोल दिया है, अब सवाल ही नहीं। चल बॉटल में उतारते हैं बैंक मैनेजर। चल अब देख मिस्टर इंडिया का कमाल। ए जवान जी, अगर अंदर फटने की आवाज आई समझ लेना कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है। अपनी दीदी से कहना कि आज मैं भी एक मिशन पर निकला हूँ। जय हिंद। राजेश मल्होत्रा, आप भी इंडियन हैं? जी हाँ, पिछले 10 साल से मैं यहीं हूँ। पता चल जाएगा 10 साल से या 10 दिन से। आपकी एक हेल्प चाहिए थी मुझे, एक पेमेंट ट्रांसफर कंफर्म करना था। तो यहाँ पे क्यों आए? आप ऑनलाइन भी कर सकते थे। आई नो सर, इंटरनेट की स्पीड देखिए, जब भी कुछ डाउनलोड करो तो सीधा ग्लोब दिखता है। कल रात गुलाबी जवानी देखी, प्लम्बर नल ठीक करने आता है और आंटी सीधा उसे बाथरूम में लेकर जाती है, बस यही देख पाया सर। सीधा क्लाइमेक्स में आके वापस रुक गया। ओके ओके, अकाउंट नंबर बताइए। 7543BB। जल्दी करने के लिए कहो, मेरे को ऑर्डर पसंद नहीं। अरे कब ऑर्डर दिया? अरे आपको नहीं कह रहा हूँ, पैसा अकाउंट में आएगा। रिसेंटली इस अकाउंट में तो कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। सर ठीक से चेक कीजिए ना, भेजने वाला इंडिया से ही है। So? इंडिया में कोई झूठ बोलता है क्या? ए, बकवास बंद कर, देश प्रेम का टाइम नहीं है, काम पे फोकस कर। उससे दीपक मेहता का अकाउंट खुलवा। सर बुरा मत लगाना, उसका अकाउंट नंबर बता सकता हूँ, देखो ना पैसा बाहर गया कि नहीं। अकाउंट होल्डर की परमिशन के बिना हम कुछ नहीं बता सकते हैं। घर से भागने की परमिशन लेता तो धर्मेंद्र सुपरस्टार बनता क्या? बैंक से परमिशन लेता तो विजय काली घोटाला कर पाता क्या? विजय काली कौन? अरे वही जो बन गया है माली, आजकल गार्डन में काम कर। उसका नंबर दीजिए। 7954392। एक्सेस मिल गया मुझे। इस अकाउंट से तो हाल ही में कोई क्लियरेंस नहीं हुई। अकाउंट विंडो ओपन ही रखवाना, कुछ भी हो जाए 10 मिनट तक लॉग आउट नहीं होना चाहिए। इडियट। क्या है? इडियट किसको बोलता है? What? इडियट आने मैं। अरे मैं। जिसने दोस्त पर विश्वास किया वही होगा ना इडियट। सुभाष और कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट। श्योर।
ये एक हाई वैल्यू अकाउंट है, अकाउंट होल्डर बहुत बड़ा आदमी है। तुम श्योर हो कि तुम्हारा पेमेंट यहीं से आने वाला था? क्या आदमी है, एक टाइम पे ये मुझसे रोकड़ा लेके पकौड़ा खाता था। अबे क्या चिंदीगिरी कर रहा है तू? अरे 10 मिनट में तो एक शॉर्ट फिल्म बन जाती है बे। टॉक करना, हैक करना जितना इजी नहीं है, तो जल्दी करना। सुभाष उसे जल्दी करने के लिए कहो। क्यों, क्या हुआ? लगता है उसे पता चल गया कि उसके पास एक्सेस कार्ड नहीं है। सुभाष वो बैंक जा रहा है, जल्दी करो। क्या? मुझे अभी एक्सेस मिला है, फिलहाल फाइल्स कॉपी हो रही हैं। तुम किसी भी तरह उसे रोको। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, तब तो मैं जा रहा हूँ। ओके जॉन, ले लूंगा, सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ है, किसी भी तरह मैनेज कर। यहाँ कॉफी विद करण का शो नहीं चल रहा है सर। हुँ? आप 30 फरवरी को पैदा हुए ना? नहीं तो? हाँ तो 29 को हुए होंगे। चलिए लाइए अपना हाथ, दिखाइए मुझे। दिया, कुछ करो। Sure, I'll try. घर वाली होने के बाद भी बाहर वाली पर डोरे डालते हो, एक नंबर के लुच्चे लफंगे हो। कैसे पता चला? मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। तुम्हारी बीवी घर पे बैठ के सास बहू की सीरियल देखती है, इसीलिए घर लेट जाते हो ना? ये बताओ कितना बैलेंस है? 40%। ये क्या बता दिया? मैंने नहीं उठाया ये। तुम्हारी बहन 70 साल के जवान बूढ़ों के साथ। छोड़ो मेरा, ये पैसे रखो, मुझे जाने दो। शनि भगवान तुम्हारे सिर पे बैठे हैं। बकवास, आज छोड़ मेरा। कितने पैसे देने वाला था वो? $400। तो मुझे ले जाओ। Oh my God! बैंक में पैसा नहीं है। किसने पासवर्ड हैक कर लिया? अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ये। Damn it! क्या बात है सर, लगे हाथ मेरा $400 भी ट्रांसफर कर दो। वो इडियट का बच्चा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कैसे हुआ सर, मेरा एक्सेस कार्ड भूल गया सर। अंदर ही है क्या? लेट्स गो। अरे वो अभी तक बाहर नहीं है। चलो यहाँ से। चलो ना। भाव से क्या, यहाँ की पुलिस को तुम नहीं जानती हो। पिछवाड़े पर ऐसा डंडा बरसाते हैं कि 3 महीने के लिए चलना फिरना सब बंद। कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, और धीरे चलो, पुलिस को पकड़ने में आसानी होगी। भूख लगी है, चल के कुछ खाते हैं। समझ गया, उसको जेल भिजवाओगी और मुझको कंगाल करोगी और पूरे इस्तांबुल का मजा लूटोगी। मुझे तुम पे पहले ही शक हो रहा था, और तुम्हारा गैंग भी है। और ये बताओ कि तुम अकेले साला कहीं का डीकोड कर पाए? 70% डीकोड है। ओए मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया, और तू यहाँ पर कैसे आ गया बता? और तुम्हें पता था कि ये यहाँ है?
ऑफ कोर्स, यही तो प्लान था। प्लान जब भी बनाते हैं ना तो सबको पता होना चाहिए, बल्कि असली मुद्दा तो तुम दोनों को पता ही नहीं है। दीपक मेहता के अकाउंट से किसी ने 4,000 करोड़ रुपए घुल कर दिए, पता है? जानता हूँ। जानता है? वो पैसे मैं नहीं चुराया, तुम्हें क्या लगा किसी का एड्रेस ढूंढने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क उठाऊंगा? 50 लीरा दे दो, कोई भी एड्रेस ढूंढ के दे देगा। ये 4,000 करोड़ है हमारे देश का पैसा था, जिसे खुद मेरे पापा ने ही सैंक्शन किया था, और उसे लगा वो ये सब लेकर निकल लेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। दीपक मेहता के मेन अकाउंट और उसके नाम से लिंक्ड प्रॉक्सी अकाउंट्स में से सारा पैसा मैंने निकाल लिया और ओरिजिनल बैंक में रिटर्न कर दिया, वो भी इंटरेस्ट के साथ। मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? तुम तो पैदाइशी बेवकूफ हो। लोकेशन का भी पता चल गया है, एल्गोर्निया। आहा, एल्गोर्निया। लगता है अब सिर्फ जॉब ही नहीं, जान भी जाने वाली है। क्यों? उस टेरिटरी पर माफिया का होल्ड है ना? हाँ साले साहब, ना पुलिस ना आर्मी उसके अंदर जा सकती है, टोटल माफिया राज है। वहाँ एंट्री करने का एक ही तरीका है, कोई माफिया का आदमी तुम्हें पर्सनली इनवाइट करे। कोई कांटेक्ट है तुम्हारा वहाँ? नो वे। हाँ पूछ पूछ और पूछ, मैं यहाँ 4 साल से सड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं पूछेगा? अबे घोंचू, मैं माफिया की बात कर रहा हूँ, किसी सब्जी बेचने वाले की नहीं। माफिया को तो नहीं जानता, लेकिन सोफिया को जानता हूँ। सोफिया, ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड, वही रहती। दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। ब्रूसली की छठी औलाद, सेफ डिस्टेंस रखना पड़ेगा। साले साहब जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, साल में 11 महीने तुम्हारी दीदी वहाँ इंडिया में रहती है, 50 डिग्री की गर्मी में 120 करोड़ की आबादी बढ़ गई है, -2 डिग्री में कितनी एक्स्ट्रा गर्मी की जरूरत? सिर्फ व्हाट्सएप पे फ्लर्ट करता हूँ, नो फिजिकल नो प्रैक्टिकल। अभी तक फेस टू फेस नहीं हुए, सिर्फ फोन पे बात होती है। कल उसका हैप्पी बर्थडे, मुझे इनवाइट किया है। केक खाना हो तो कल लेके जाऊंगा। इतना वेट नहीं कर सकता, आज ही जाना होगा। अब तक अकाउंट खाली होने की न्यूज उस तक पहुंच चुकी होगी, वो चौंकना होगा। इससे पहले कि वो अपना अगला कदम उठाए, हमें उसे पकड़ना होगा। अच्छा साले, ये सब चलते रहता ना, अपनी दीदी को मत बताना। तूने तो अपने हाथों से धोया, लेकिन वो पूरे शहर के सामने धोएगी। शुगर ऊपर हो रहा है, पीपी लो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये ऊपर वाले प्लीज बचा ले। फौजी साहब, वो आलिशान बिल्डिंग दिख रही है ना, वो माफिया के नरक द्वार में घुसने का एंट्री पॉइंट है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। गुलाब के साथ जैसे कांटे होते हैं ना, उसी तरह मेरी सोफिया कैक्टस के बड़े बड़े पौधों से गिरी रहती है। क्या बकवास है। हेलो, आप उनको ना सोफिया से मिलने के। रुको, सोफिया को फोन लगाओ, कोई आया है। सोफिया से मिलने आया है। फौजी, तारा सिंह से कुश्ती लड़ने जा रहा है क्या? टोले शोले सब अंदर कर, चेस्ट अंदर ले, नहीं तो पता क्या होगा, हमारा पैकअप हो जाएगा। मेरा आदमी है, उसे अंदर भेज दो, मैं इंतजार कर रही हूं। सुना, इसी आवाज पे फिदा हुआ था। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम है, चुपचाप मेरे को फॉलो करता रहे। सोफिया का घर कहाँ है? उधर है। देखना, सोफिया ही हमारी नैया को पार लगाएगी। सोफी। यस प्लीज। हेलो सोफिया। नहीं, मैं उनकी मेड हूँ। नौकरानी इतनी सुंदर, तो मालकिन तो हुस्ने मलिका होगी। साले कहाँ चले गए? सुभाष, यह है तो मुसीबत, नहीं है तो भी मुसीबत। लेफ्ट की तरफ मैप के हिसाब से। सोफिया जी कहाँ है? वेट, आ रही है वो। आएगी 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 आएगी। Sophia. Yes, darling, I am your Sophia. Darling! Darling, रुक जाओ, stop! अच्छा वो साले और उसकी girlfriend ने नहीं देखा। पहुंच गए हम। कहाँ है? Second on the left. तुम यहीं रुको। Okay.
अबॉट। दरवाजा तोड़ो। Go!
चलो यहाँ से। कौन से झंझट में फंसा दिया? पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई। चेक विद द किमलिक कार्ड। क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? बैंक लूटने का पहले बैंक को लूटा, माफिया के लोगों को लुड़का भी दिया। ए ऊपर वाले बचा ले। मिल गया। हमारा गैस गलत निकला, ये क्रिमिनल नहीं है। इस्तांबुल का सिटी कमिश्नर है। ये क्या चल रहा है, सब बताओ मुझे। अंधा होने का नाटक कर रहा था, इसी ने दीपक का मर्डर किया है। पहले हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था, अब हमें अरेस्ट करना चाहता है। वो दीपक को क्यों मारेगा? यही मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि दीपक ही असली गुनहगार है, पर वो सिर्फ एक प्यादा है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो सारा खुलासा हो जाएगा। वो पुलिस वाला है, कैसे पकड़ेंगे उसे? वही हमें ढूंढते हुए आएगा। हेलो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आर्गू मार्केट में। किसके लिए काम कर रहा है? ये प्लान किसका है? बताएगा नहीं तो मरेगा। चल बता। अगर मैंने नहीं बताया तो तू मुझे मारेगा, बता दिया तो तू मरेगा। फिलहाल तो तेरा नंबर है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। बताता हूं। बता। मलिक, सैयद इब्राहिम मलिक। शहर में बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 60 से ऊपर हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि दुबई से पाकिस्तान जा चुके हैं मलिक। पाकिस्तान ने मलिक को पनाह देने वाले इल्जाम से साफ साफ इनकार कर दिया है। भारत के लगातार दबाव के बाद यूएन ने सैयद मलिक को टेररिस्ट घोषित किया। सैयद इब्राहिम मलिक का पता चल गया है, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। ये रहा उनका लोकेशन। आतंकवाद का दूसरा नाम सैयद इब्राहिम मलिक। इंडियन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैयद इब्राहिम मलिक। This is totally unbelievable. इसमें मलिक का हाथ कैसे हो सकता है? सर, मुझे भी इसके बारे में अभी भी पता चला है। अगले इलेक्शन में गुप्ता जी ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मलिक को ये पता था कि वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में मारता तो शक की सुई सीधा उस पर जाती। इससे बचने के लिए उसने चालाकी से चुना हमारा शहर। होने वाली अलायंस मीटिंग में एक मौका नजर आया उसे। बैंकक्रप्ट हो चुका दीपक, प्रोफेशनल किलर कायरा, दोनों को इस्तेमाल करके गुप्ता जी को मार दिया। इलेक्शन जीतने के लिए मेरे भाई ने ये सब किया है। उसने ये अफवाह उड़ा दी, लोगों को सच लगे, इसलिए मेरे भाई को मार दिया। चलो मान लिया तुम सही, लेकिन प्रूफ कहाँ है? कायरा और दीपक तो मर चुके हैं। और मलिक, वो तो अभी जिंदा है ना? What do you mean? अब मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा। मजाक कर रहे हो, वो कहाँ है हमें बिल्कुल पता नहीं है। पाकिस्तान। हमारे हिसाब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिनाई किया है। ओसामा बिन लादेन के लिए भी यही कहा था, क्या हुआ था? उसे मार दिया ना? Come on, सुभाष। वो अमेरिका है, उनकी पॉलिसी अलग है और हमारी अलग है। जानता हूँ सर, वहाँ कर्नल सुभाष बन के नहीं जाऊंगा, एक आम आदमी बन के जाऊंगा मैं। हमारा एजेंट 10 सालों से वहाँ है, झलक तो क्या उसकी, एक इन्फॉर्मेशन तक हमें नहीं मिली। पुलिस, सीबी, सीआईडी, सीबीआई, रॉ, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, कस्टम्स, सैकड़ों डिपार्टमेंट है, हजारों ऑफिसर्स है, और वो एक आदमी है। ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना झलक मिलती है, सिर्फ एक ही जवाब, नहीं कर सकते। बहुत हो गया सर। ये मेरे भाई या गुप्ता जी की बात नहीं है। मुंबई ब्लास्ट में 240 लोग मरे, हैदराबाद में 120 लोग मरे, 26 सालों में 17 टेररिस्ट अटैक, 7000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कोई जवाब है इन सब बातों का? पागलों जैसी बात मत करो। अगर वहां गए मारा जाऊंगा ना। चलेगा,
पर कोशिश करते हुए देश के लिए मर जाऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, पर ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके सर, आई कैन मैनेज, मैं आज ही जाऊंगा। सच में जाओगे? इतना आसान है? अब तो तुम एक क्रिमिनल हो और लीगली इस्तांबुल से बाहर कदम रखना इम्पॉसिबल है। अगर रोड से जाओगे तो सीरिया, ईरान, इराक और अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा और वो भी बिना वीजा के। यस, एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। उस रूट में मैं अनऑफिशियली हेल्प कर पाऊंगा। तुम जैसे ही पाकिस्तान पहुंचोगे तो वहां का हमारा एजेंट इमरान से कांटेक्ट करना, बट वन कंडीशन, ये दो देशों के बीच इंटरनेशनल इशू है, खुदा न खास्ता अगर पकड़े गए तो। समझ गया सर, आपका जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा। थैंक यू। सुभाष, मैं भी चलूंगी। नहीं, ये मैं खुद कर लूंगा, ये मेरा पर्सनल इशू है। यही वजह है कि मैं साथ चलूंगी। समझे नहीं, वो तुमसे परमिशन मांग रही है। लेके जा भौरा, बिना फूल के कुछ भी नहीं। कब तक अकेले रहोगे? ये प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल का है। ओ, लेफ्ट टर्न पे। इमरान साहब से भाईजान अंदर है। भाई आपसे कोई मिलने आया है। आइए जाइए। दिल्ली में साली की शादी है, उनके लिए एक जोड़ा सिलवाना है। दो दिन के बाद यहां से ले लीजिएगा। सबकी नजरों से बचा के मलिक को इंडिया ले जाना चाहते हो? मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, समोसा पार्सल करके घर ले जाने जितना आसान काम है ये? तुम्हें पता है मलिक ISIS के कंट्रोल में है, उनके अलावा मक्खी भी उसके आसपास पर नहीं मार सकती। मुझे यहाँ अंडरकवर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। रहमान सर ने मुझे असाइनमेंट दिया था कि मैं साबित करूँ कि वो यहीं पर है, मगर एक भी सबूत नहीं मिला। इतने साल से औरतों के पेटीकोट सीते सीते दिमाग खराब हो गया है मेरा, लेकिन सबूत तो क्या, आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। 15 साल पहले रॉ दुबई में उसे पकड़ने के लिए गया था, बाद में ये पता लगा कि उन्होंने जिसको पकड़ा है वो मलिक नहीं, उसका डुप्लीकेट है। बात आई गई हो गई, वहाँ से बच के मलिक यहाँ पाकिस्तान में आ गया। यहाँ की गवर्नमेंट उससे पैसे लेकर उसे राजा की तरह रखती है, मिलिट्री सिक्योरिटी देती है, वो तो यहाँ पर शानदार जिंदगी जी रहा है। उसका घर दिखा सकते? इतनी सजावट किस लिए, कोई जश्न वगैरह है? सुना है उसकी बेटी की शादी है 3 दिन के बाद। शादी के लिए तो वो बाहर आएगा ना? नहीं, सिक्योरिटी की वजह से शादी घर के अंदर ही कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से निकल। कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई। चल निकल। हाँ सर, जा रहे हैं जा रहे हैं। चलो भाई। ताहिर इकबाल, पाकिस्तान मिलिट्री जनरल, मलिक की सिक्योरिटी
ये खुद ही संभाल रहा है। इस घर की सिक्योरिटी इसने तीन लेयर्स में बांट रखी है। पहले लेयर में पाकिस्तान पुलिस, दूसरे लेयर में पाकिस्तान मिलिट्री के ट्रेन कमांडो, इनर सर्कल में मलिक की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए उसकी हिफाजत को बहुत पक्के तौर पे प्लान किया गया है। वैसे ये भी आम ऑफिसर नहीं है, स्वॉट ट्रेन है। ISIS के आधे अटैक यही प्लान करता है। यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिस्ट बनाने में ये एक्सपर्ट है। इसे मात दे के मलिक से मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब मेरी पोती का है। ताहिर भाई अभी तक वर्दी में ही हो, कल अपनी बेगम और बच्चों के साथ आना। सलमा इसे रख दो। मलिक फिलहाल निकाह को मुलतवी करना होगा। क्यों, उस हिंदुस्तानी एजेंट की वजह से जो बॉर्डर क्रॉस करके आया है, तुम्हारी तरह मैं भी डरूं क्या? पता लग गया तुम्हें? मुझ तक पहुंचने वाली खबरों की स्पीड 5G है। उसका नाम कर्नल सुभाष, सीड ट्रेनिंग 19 बटालियन मद्रास रेजिमेंट। ठीक से देख लो। गैरम, आई विल। इस इश्यू के रिजॉल्व होने तक किसी सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाओ। मेरे नाम से पूरा इंडिया थरथराता है। कमाल है, अब एक मच्छर से शेर को डरना होगा। तुम्हारी हिफाजत ये मेरी ड्यूटी है, मेरी इल्तजा है। तुम मिलिट्री सेफ हाउस में शिफ्ट हो जाओ। तुम मेरी हिफाजत करोगे? मैंने हजारों की खिलाफत की, एकदम अकेला, किसी की मदद नहीं मांगी। मेरी बेटी का निकाह है, बहुत खुश हूं मैं। मूड बिगाड़ा तो मार दूंगा तुझे। तुमने मांगा था ना, उसके घर का ब्लूप्रिंट है। उसे किडनैप करने का सही वक्त है शादी वाली रात। नामुमकिन है, बहुत लिमिटेड गेस्ट्स वहां पर आएंगे। इनविटेशन के बिना वहां घुसना मुमकिन ही नहीं। अगर घुस भी गए तो पुलिस, मिलिट्री और पर्सनल सिक्योरिटी इन सबको पार करके उस तक पहुंचेंगे कैसे? लेकिन उसे दूर से गोली मार के शहीद हो सकते हैं। काम तो वो भी मुश्किल है, पर किडनैप करना नामुमकिन है। मुमकिन है, मेरे पास प्लान है। मैं पूछता हूँ, इस मिशन का अप्रूवल किसने दिया आपको? हमारा फौजी सुभाष अपनी जान दांव पे लगा चुका है। इतने बड़े काम के आगे वो बहुत कम मांग रहा है। मिस्टर रहमान, दोनों देशों के बीच वैसे ही टेंशन चल रहा है। अगर हमारा ऑफिसर पकड़ा गया, UN ही नहीं पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। इस मुल्क की गुडविल को खराब नहीं होने दे सकता। नो वे, अभी के अभी उसे रिकॉल करो, वरना मुझे स्टेटमेंट देना होगा कि बिना परमिशन के घुसपैठिए ने बॉर्डर ट्रेसपास किया, वरना मजबूरन हमें पाकिस्तानी एम्बेसी को डिटेल्स देने होंगे। सर, फैसला लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। सुभाष से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गुप्ता जी की हत्या मलिक ने करवाई। इतना ही नहीं सर, इंडिया का एक VVIP भी इसमें शामिल है, पर प्रूव करने के लिए मलिक को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। प्लान क्या है बताओ। ओके, मैं हाई कमान से बात करूंगा, तब तक आप अपने मिशन को होल्ड पे रखिए। यस सर। सर, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलने तक अपने मिशन को होल्ड पर रखो। मिशन शुरू हो चुका है। सुभाष, सुभाष, ये डिजाइन बहुत अच्छी है ना, तुम्हें लगानी है? सुभाष, मलिक जानता है कि तुम यहाँ हो। उसके ऑर्डर्स पे पुलिस तुम्हें शिकारी भेड़िए की तरह ढूंढ रही है। सिचुएशन इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। मिशन के सक्सेस के चांसेस कम होते जा रहे हैं। अगर कल एक भी गलती हुई तो कोई नहीं बचेगा।
इसलिए इस मिशन में मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। दिया, ये मेरी निजी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा, तुम जाओ। कोई बात नहीं, मिलकर लड़ेंगे, जीते या हारे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सुभाष, हाई कमान से थम्स अप मिल गया है। थैंक यू सर। बट बी केयरफुल, इसमें अगर तुम्हारी जीत होती है तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं इंडिया की जीत होगी, पर एक छोटी सी गलती से दोनों के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय बॉय। सर, एक्शन का वक्त आ गया है। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
इतना धुआं कैसे फैला? क्या हुआ? किचन में आग लग गई है सर। जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। फौरन बोलो। मलिक सुनो, जरूर इस आग के पीछे उस इंडियन एजेंट का हाथ है। एकदम होशियार रहना। चुप रहो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। सड़ा, पहले ही तुम्हें मेरा मशवरा मानना चाहिए था, तो ये नौबत कभी नहीं आती। तुम्हें सेफ जगह शिफ्ट करने के ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से। And I am under pressure. So be ready. Okay. जरा भी फिक्र मत करो, अपनी हिफाजत सोचो। मेन गेट से मत जाना, जरूर जाल बिछाया होगा उसने वहां पर। पीछे के रास्ते से जाओ, शाह आलम मार्केट का रास्ता पकड़ना। गाड़ी लेके भाग रहे हैं। कैच हिम।
मेरे साथ चलना है या यहीं कब्र खुदवानी है? डोंट शूट, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो बॉडी डबल हूँ, ओरिजिनल मालिक तो नीचे है। यकीन ना हो तो उसे ऊपर बुला लूं। हेलो, नीचे सो रहा है क्या? जरूरी काम है, मेरे रूम में आ अभी फौरन। हड़बड़ाहट में गलती हो गई तुझसे, तू ही ओरिजिनल है। अगर डुप्लीकेट होता तो तू इस तरह से उसे ऑर्डर नहीं देता। ओह, मैं तो डर गया। कहाँ जाना है? 2 मिनट में ताहिर मुझे सेफ हाउस ले जाने के लिए आ रहा है। कल का सूरज देखना चाहते हो तो उसके आने से पहले यहाँ से दफा हो। ताहिर के साथ तेरा बॉडी डबल जाएगा। बुलाओ उसे। हेलो, ताहिर के साथ तुम जाओगे? सर, जो कहा वो करो। ओके, नाउ मूव। आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। क्या हुआ इनको? मेडिकल वीजा, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी है इनकी, इसलिए ले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है क्या? इंडिया क्यों जाना है? एबी नेगेटिव डोनर्स सिर्फ वहीं मिलेंगे। सर जी, क्या बात है? ये इनका मेडिकल रिपोर्ट है, मुझे तो गड़बड़ लगती है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हेलो, पाकिस्तान इमिग्रेशन, कुछ बात करनी है आपसे ज़ाहिर अमान के बारे में। वो हमारे ही पेशेंट हैं। कल उनकी सर्जरी है, क्या हुआ? ये रूटीन वेरिफिकेशन है मैम। ओके,
भेज दो। अंकल वो कैसे? परेशान मत हो, मलिक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ख्याल रख रहे हैं। सर सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है सर। मलिक तुम ठीक हो ना? एंटर रनवे 25। रोजर एंटरिंग। हमें लगा कि उसने नकली मलिक को अगवा किया है, जबकि उसने असली मलिक को अगवा किया था। हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ी चाल खेली है उसने, और उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ शादी में आग लगवा दी। लेकिन वो भूल गया कि ये पाकिस्तान है। सारे चेक पोस्ट में नाकाबंदी कर दो, क्लोज ऑल पॉसिबल वेज। यस सर। इस समय इंडिया के लिए कोई फ्लाइट जाने वाली है क्या? सर 10 मिनट में दिल्ली के लिए एक फ्लाइट निकलने वाली है सर। यस, सुभाष का वो फोटो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को फैक्स करो। okay, किसी की शक्ल उससे मिलती हो तो उसे डिटेन कर दो, याद रहे गलती नहीं होनी चाहिए। डू इट फास्ट। FA908 एंटर रनवे 25 मेन लाइन अप एंड बी रेडी फॉर इमीडिएट टेक ऑफ। रोजर कॉपी। हेलो सर, फोटो के हिसाब से दिल्ली फ्लाइट के सीट नंबर 16 के पैसेंजर की शक्ल मैच कर रही है। ATC को फौरन फोन करो कि फ्लाइट को तुरंत रोक दिया जाए, इमीडिएटली। यस सर, ATC से कहो दिल्ली की फ्लाइट को जल्द से जल्द रोक दे। रोजर वेटिंग। FA908 एंटर रनवे। FA908 एंटर रनवे 25 मेन लाइन अप, यू आर क्लियर टू टेक ऑफ। रोजर क्लियर फॉर टेक ऑफ। दिल्ली फ्लाइट को रोक दो, उसमें एक आतंकवादी है, जल्दी। ATC को कॉल करो, दिल्ली फ्लाइट को रोको फौरन। सर ATC का फोन नहीं लग रहा, मोबाइल तो होगा किसी के पास। सर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सर मोबाइल अलाउड नहीं है। अगर मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो तुम खुद जाकर खबर करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। करने के बाद राइट लें 240 डिग्री पर, क्लाइम 8000 फीट। रोजर कॉपी। Ooh!
FA908, runway clear, ready for takeoff. Roger, ready for takeoff. दिल्ली फ्लाइट को रोको फौरन। आप बताइए कि आखिर बात आतंकवादी है उसमें। FA908 रिजेक्ट टेक ऑफ इमीडिएटली। रिजेक्ट टेक ऑफ, रिजेक्ट टेक ऑफ। रोजर, रिजेक्टिंग टेक ऑफ। आतंकवादी फ्लाइट में है। आतंकवादी फ्लाइट में है, हम फ्लाइट रोक रहे हैं। पास। नाम क्या है आपका? राशिद। कहां से हैं? कराची। जनाब आपका शक सही निकला, इन्हीं नाम के 3 पैसेंजर्स नेपाल की फ्लाइट से भी गए हैं। किसी भी तरह से उस फ्लाइट को आगे जाने से रोको, रिटर्न कराओ फ्लाइट। जनाब अभी तो नामुमकिन है, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है। जब तक हम फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे फ्लाइट बॉर्डर पार कर चुका होगा। डियर पैसेंजर, इस वक्त हम हिमालय के सुंदर पर्वतों के ऊपर से गुजर रहे हैं, अभी अभी नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। सर आपके लिए फोन। हेलो सर, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। यस, वी हैव डन इट। यस सुपर चाचू, ये कहानी तो बहुत थ्रिलिंग थी, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसे नेपाल में इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया। फिर थोड़ी ठुकाई के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। उसके सभी पार्टनर्स भी पकड़े गए। जिसने गुप्ता जी को मरवाया था वर्मा, वो पीएम बनना चाहता था, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर चाचू मलिक को क्या सजा मिली? मलिक एक बहुत डेंजरस क्रिमिनल था, जेल ले जाते वक्त उसने भागना चाहा, लेकिन हमारी पुलिस ने उसे शूट कर दिया। मेरे सुपर चाचू दद्दू हमेशा कहते थे बुरा के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ अच्छा। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनती करूंगी कि वो स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी की तस्वीर का अनावरण करें।